हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्या एक शादीशुदा बेटी को अपने पिता की निजी संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। टॉपिक पिता की संपत्ति में बेटी का हिस्सा पे हमने कई वीडियो अपलोड किया है, पर फिर भी कई कॉल्स आते हैं और जिसमें पूछा जाता है कि पिता की संपत्ति पैतृक ना होकर निजी है तो क्या बेटी को हिस्सा नहीं मिलेगा। तो घबराएं नहीं, क्योंकि इसका भी उत्तर हाँ ही है। पिता की निजी संपत्ति में भी एक बेटी को हिस्सा क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा, पर यह हिस्सा पैतृक संपत्ति की तरह अनकंडीशनल, मतलब बिना कोई शर्त और बाय डिफॉल्ट नहीं है, बल्कि कुछ शर्त लगा हुआ होगा। अब आप जानने को इच्छुक होंगे कि वो शर्त क्या होगा। पहला कंडीशन और शर्त यह है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि निजी संपत्ति में अनलिमिटेड पावर होता है और पिता जिसे चाहे उसे दे सकते हैं। यहाँ आपको फोकस करना है शब्द जिसे, जिसे चाहें उसे दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जिसे में आप भी आ सकते हैं, वो आपके पिता हैं तो थोड़ी संपत्ति आपके नाम भी कर सकते हैं। इसीलिए आप अपने माता पिता का सेवा करें तो निजी संपत्ति में जरूर मिलेगा हिस्सा। और एक बार ऐसी संपत्ति आपके नाम पे आ गई तो कुछ नहीं हो सकता, सारी उम्र आपकी ही रहेगी। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर आपके पिता की मृत्यु हो जाती है और वो कोई विल या वसीयत नहीं बना गए, तो ऐसी स्थिति में पैतृक संपत्ति और निजी संपत्ति दोनों ही पैतृक संपत्ति बन जाएगा और आपका बाय डिफ़ॉल्ट राइट बन जाएगा, जिसे लेने से कोई रोक नहीं सकता है। और अगर कोई रोकता है तो आप कानून की मदद ले सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड अब भी आपके मन में कोई सवाल कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। विश यू गुड लक।